और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है, वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए, सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3-4-5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं, आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं, और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शाह साहब के पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं, और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं ऐसे भारत को निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि ये देश उनका है। छत्तीसगढ़ सरकार ये गरीबों की सरकार है, और यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, किसान भी आज यहां पर बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी उन्होंने कहा, एक जमाना था कि बहुत कम धान किसानों के पास खरीदा जाता था, अब वही किसानों के पास 1,07,000 टन, पहले जो सिर्फ 44 लाख टन, पहले भाई वो आपका हो गया, वो लोग पहले का बोल रहे हैं, 44। अरे 1,07,00,000 आप लोग खरीद रहे हैं, पहले उनके जमाने में कितने था? अरे 44, रहने दो, ठीक है। लेकिन इतना लोगों के पास किसानों का धान खरीदने वाला किसकी सरकार है? आपका खरीद रहा है या नहीं है? तो ये जो गरीबों के बारे में सोचने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? ये क्या भूपेश जी, आपके लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम तो दिए बोल रहे।